नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मैं इधर हूँ। दूध दो ना। अरे देसी नहीं, बहुत काम करी है। रसे में दूध रखा है, जाकर दे दे। बेचारे सुबह से भूखे हैं। घर में तो ऐसा होता ही रहता है। आप चल के मुंह हाथ धो लीजिए और चाय पी लीजिए। आज इतनी देर क्यों हुई? डॉक्टर के पास गया था, हमारी दवा भी लानी थी और उसका बिल भी देना था। देखो गीता, डॉक्टर ने कहा है काम कम आराम ज्यादा, चिंता कम खुशी ज्यादा। और देखो इस दवा के साथ तुम्हारा दूध पीना बहुत जरूरी। अच्छा बाबा, देखो ये पैसे रख लो। ऑफिस के हैं, संभाल के कबर्ड में रख दो, कल जाने से पहले याद से दे देना। अच्छा। सवाल काटने का नहीं, सवाल है असूल। प्रताप के पास लाखों रुपए का हिसाब रहता है, मजाले एक पैसे की भी गड़बड़ हो जाए। यही तो मेरी बदकिस्मती है सर, मेरे 100-200 रुपए का हिसाब आप रोजाना लेते हैं, लेकिन प्रताप बाबू का लाखों का हिसाब आप बिल्कुल चेक नहीं करते। व्हाट डू यू मीन? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। गेट आउट। थैंक यू सर। कोई बात नहीं माँ, 5 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। गीता वो 1000 रुपया तो देना, बात बात में भूल गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। मैं अभी लाती। लगता है मुझसे गलती हो गई, मैंने पैसे मामा जी को दे दिए, अब शायद मुझे कर्ज लेना पड़े। और आप मेरे दूध पीने की बात कर रहे हैं। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा गीता, चाहे मुझे अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े। गीता क्या ढूंढ रही हो? कहाँ रुपए? रुपए तो नहीं मिल रहे हैं। ये तो बुरी आदत तुम्हारी, रखती कहाँ ढूंढती कहाँ? मैंने इन्हें साड़ियों के नीचे तो रखे थे। तो फिर कहाँ गए? ओह माय गॉड। गीता गीता आई एम सॉरी गीता, क्या बताऊं आजकल इतनी परेशानी आज कल। ये लो, देखो ऐसा करो बाद में रुपए ढूंढना, जब मिल गए तो ऑफिस भेज देना। गीता आई एम सॉरी। मम्मी 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 तुम डरो मत, रुपए अब भी मिल जाएंगे जब तुम सुनो। आप सुन लिया? चले जाओ। टाइम हो गया है।
चलो यही बच्चों को सिखा रखा है, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। एक दो तीन चार। बहन जी थने तो जानती हैं, आजकल ब्याज बट्टे का काम बंद कर रखा है, लेकिन प्रताप बाबू तुम्हारे पुराने जानकार हैं। तबीयत कैसी? ठीक है। पैसे मिल गए? जी हाँ। मैंने कहा था इधर उधर रख दिए होंगे तुमने। जाती हूँ। रिया, एक बात कहूँ? क्या है? देखो ये तुम्हारे भैया का घर है। वो तो है ही। जब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेनी चाहिए। वो तो मैंने मांगी है, बिंदिया, चूड़िया, चप्पल और घड़ी का पट्टा। आज 5 तारीख है ना, भैया लेकर ही आएंगे। लाएंगे ना? क्यों नहीं। तो जब तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत थी तो वो भी मांग लेने चाहिए थे। तुम्हारे भैया इनकार थोड़ी करते। भाभी तुम्हारा मतलब है भैया के 1000 रुपए मैंने चुराए? मैं चोर हूँ? ओ माँ, भाभी हमें चोर कहती है क्या? कहा? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, पांव पड़ती। अगर तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती तो साफ साफ कह दो, हम माँ बेटी इस घर से चले जाएंगे। मगर इस तरह जलील करके अपने बेटे के घर से तो ना निकालो। माँ जी, तुम हम लोगों की तलाशी लेना चाहती हो ना? आओ, देखो, 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 पहले तो मेरे शरीर के कपड़े उतार के दिखा दियो। आज सुबह तो रुपए ट्रंक में थे, अब कहीं और छुपा दिए होंगे। गीता, तुम रुपए ऑफिस में तो दे गई थी, अब इन पे झूठा इल्जाम लगा के इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहती हो? ये मेरी माँ है, ये इनका अपना घर है, ये इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी, समझी? प्रिया ने कुछ चीजें मंगाई थी ना, वही लाया हूँ। चुप चुप जियो बेटा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ऐसा भाई तो 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, समझी? प्रिया कह तो बहू, आज हमें खाना नहीं खाना है। खाने पर कैसा गुस्सा? इस बार मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। देखिए आप नहीं खा रहे तो बच्चे भी नहीं खा रहे हैं। अरे चूड़ियां क्या हुई? चूड़ियां बेचकर वो रुपए लाए थी ना? तो भूल जाइए उस बात को, पहले खाना खा लीजिए। तुम कितनी महान हो गीता, माँ की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी चूड़ियां बेच दी, और मैं कितना नीच हूं, उन्हें झूठा मानकर उन पर हाथ उठा दिया। तो क्या हुआ, किसी घर पर तो नहीं, अपनी पत्नी पर ही तो हाथ उठाया? नहीं गीता नहीं, आज मैं तुमसे आंख नहीं मिला सकता, तुम्हारे सामने आज मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। चोरी उन्होंने नहीं की, अब तो यूं ही परेशान हो रही। चोरी उन्हीं लोगों ने की गीता, मैंने खुद अपनी आंखों से माँ को रुपया ट्रंक में रखते देखा। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं पी गया। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं गीता नहीं, जब गुस्सा पी जाना चाहिए था नहीं पिया, और जब नहीं पीना चाहिए था पी गया।
कैसे हम बापूजी? बेटी जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने का बुलावा आ जाए, सोचा उससे पहले तुम लोगों से एक बार मिल लूं। ऐसा ना कहिए बाबूजी। अच्छा बता, प्रताप और बच्चे कहाँ हैं? आज उनकी छुट्टी है ना, बच्चों को बाजार ले गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छा, और सब ठीक है ना? सब ठीक है बहू। अरे पानी गर्म हुआ कि नहीं? कब तक बच्चे का पैर पकड़ कर बैठूंगी? हो गया माँ जी, अभी ले आती हूँ। समधन जी आई है क्या? जी हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हा 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 समझी, जागे भाग हमारे, दर्शन भय तुम्हारे, आप कब आए? बस आ ही रहा हूँ समधन, आप कैसी हैं? मुझे क्या हुआ है? बेटे को देख देख के खून सूखा जा रहा है। क्या हुआ प्रताप को? होना क्या है जी, अकेला कमाने वाला और खाने वाले इतने सारे, और ऊपर से इतनी महंगाई है। ये बेचारी सारा दिन रसोई में घुसी रहती है, किस किस को संभाले। 10 बज गए हैं, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। कैसी बातें कर रही है माँ जी, चाय तो रोज आप इसी वक्त पीती हैं, सुबह तो आप दूध और नाश्ता करती हैं। हा 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 बहू, तुम्हारे बापू आ गए तो क्या हमें घर से निकाल दोगे? एक शेर दूध इसके लिए आता है, एक शेर दूध इसका कुत्ता पीता है, हमारे 2 घूंट दूध का ढिंढोरा पीट रही है। ओ मां, मेरी उंगली, पापी ने मेरी उंगली जला दिया। मां कैसे चल गई? पहले तो बीमार है, तुझे तो कहां भाभी ने जला दिया? पीता ने क्या किया, इसने खुद गर्म पानी में उंगली डाल दी होगी। खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है, चल देखो दवाई ले आ। मेरी बच्ची, हां अरे बहू, दवा घर में नहीं है तो कम से कम तेल से घी ले आ, जल्दी कर। गीता, क्या हुआ गीता को?